शहरी विकास एवं आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सरवीण चौधरी ने शाहपुर में सरला देवी धर्मपत्नी रतनचंद निवासी शाहपुर, जो कि शाहपुर की प्रथम कोरोना मरीज थी और 5 अप्रैल को ठीक होकर घर वापस आई हैं, उनसे मुलाकात की और उन्हें पुष्प गुच्छ देकर उनका हौसला बढ़ाया और उनके सुखद भविष्य की कामना की। इसके उपरांत शहरी विकास मंत्री ने लंज के दिनेश, जो कि कोरोना से ठीक होकर घर वापस आए हैं, उनसे भी मुलाकात की। इस अवसर पर सरला देवी व उनके पति रजनतन और दिनेश की माता तृप्ता देवी व भाई विजय ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शहरी विकास मंत्री का धन्यवाद भी किया और उनका आभार जताया। मंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी नागरिक अपने ही घरों में रहें और बहुत ज्यादा आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें। लॉकडाउन जो चौथे स्तंभ पर पहुंचा है, हमें जो दिशा निर्देश हुए हमने उसी के अकॉर्डिंगली इस देश को और प्रदेश को बचाने का जहां काम किया है, वहीं शाहपुर में सबसे पहले कोरोना से संक्रमित हमारे बीच में श्रीमती सरला देवी जी शाहपुर से और लंज क्षेत्र से दिनेश जी दो इस संक्रमित से जो विदेशों की हिस्ट्री रख रहे थे ऐसे महामारी की जकड़ में आए। लेकिन आज सौभाग्य की बात है कि जो आदेश हमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिए उसके अकॉर्डिंगली आज हमारे बीच में शाहपुर के एसडीएम हमारे बीच में डॉक्टर मुरारी लाल जी और कांगड़ा के एसडीएम जतिन लाल जी, क्योंकि इन दोनों के क्षेत्र में ये दोनों ही हमारे पेशेंट्स मिले थे। लेकिन आज खुशी की बात है कि वो बहुत खुशहाल तरीके से ठीक होके रिकवर होके, जिसमें विशेष योगदान जो है डॉक्टर्स का रहा और डॉक्टर्स का नर्सेस का, उन्होंने उनको सही किया। पुलिस विभाग की भूमिका रही अच्छी कि उन्होंने बड़े सेफ तरीके से टांडा में उनको पहुंचाया। और ये शाहपुर में दो केसेस सबसे पहले प्रदेश में जहां पहुंचे, ये दोनों ही स्वस्थ होके अपने खुशहाल जीवन की ओर आगे बढ़े हैं। सो आज का दिन हमने उनको बधाई देने का, उनको अप्रिशिएट करने का और दोनों एसडीएम के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, एसएचओ के हमारे हेमराज जी शाहपुर से, इन सबके माध्यम से बीएमओ जो है हमारे बीच में शाहपुर से डॉक्टर मोहन और त्यारा से हमारे बीच में जो डॉक्टर संजय, ये हमारे साथ हैं, इनको साथ लेके और तहसीलदार को साथ लेके और यहाँ के प्रधानों को साथ लेके शाहपुर से अरुणा जी और यहाँ से रमेश जी लंच से, इन दोनों के साथ हमने मिलकर उनके घरों में जाकर उनको बधाई दी, पुष्प गुच्छ दिया, उनके परिवारों से मिले। और मुझे लगता है एक समाज में हमने एक इस तरीके का जीवन अच्छा यापन करने की जो विधि जो है, हमें एक डर जो है लोगों के मन में कोरोना का था और उससे जहां बचाव के लिए हमें आगे बढ़ना है, वहीं जो स्वस्थ होके आ रहे हैं उनको समाज के अंग में, मुख्य धारा में आगे बढ़ते हुए हमें उनसे प्रेरणा लेनी है।